Good morning, students. Now this is volume 2 of surface chemistry. Let us start. The next topic was colloidal solutions. What are the colloidal solutions? To understand this, let us take three beakers. In all these three beakers, you take water, right? In one beaker, you add NaCl. In another beaker, you add sand. In the third beaker, you add a few drops of milk. What did you notice? NaCl is disappeared and sand is settled down here. Milk neither disappears nor settled down. This is what we call colloidal sol. See carefully. Why NaCl is disappeared? हमें NaCl water में dissolve करते हैं तो क्यों नहीं दिखता? Because उसके particle का size less than 1 nanometer होता है. जब किसी के particle का size less than 1 nanometer होगा, वो हमारी eyes को visible नहीं होगा. और sand के particle का size more than 1000 nanometers होता है, जो कि settle down हो जाता है. और milk के particle का size 1 nanometer से लेके 1000 nanometers की रेंज में होता है. ना तो वो सेटल डाउन होता है और ना ही टोटली डिसअपीयर होता है. ऐसे कुछ ट्रांसल्यूसेंट सा दिखता है, जैसे ग्लास में कुछ धुंधलापन सा आ जाता है, वैसे दिखता है. उसको हम कहते हैं कोलाइडल सोल. सो व्हाट आर द कोलाइडल सोल? इन विच द पार्टिकल साइज रेंज फ्रॉम 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, उसे हम कहते हैं कोलाइडल सोल, यानी कि कोलाइडल सॉल्यूशन. खाली सोल भी कह सकते हैं. वेल, इसमें टू फेसेस होती हैं. एक होता है डीपी, जिसे हम कहते हैं डिस्पर्स्ड फेस, डिस्पर्स्ड फेस. एक होता है डीएम, यानी कि डिस्पर्शन मीडियम, राइट? जस्ट लाइक सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, डीपी वो होती है जो डिस्पर्शन मीडियम में डिस्पर्स्ड होती है, और डीएम क्या होता है? वो होता है जिसमें डीपी डिस्पर्स्ड होती है. दिस इज जस्ट लाइक द सॉल्वेंट एंड दिस इज जस्ट लाइक द सॉल्यूट ऑफ सॉल्यूशन, डीपी एंड डीएम. ओके, कोलॉइड इज नॉट अ सब्सटेंस but a state of substance. What is the meaning of this statement? You know, this is one of the last question from your NCERT's back exercise, ki colloid ek substance nahi hai balki state of a substance hai. Justify the statement. Let me tell you, NaCl ko jab hum water mein dissolve karte hain to ye true solution ki tarah behave karta hai. जैसे कि ये, इसे हम कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन. जब सैंड सेटल डाउन हो जाती है, इसे हम कहते हैं सस्पेंशन, राइट? जब NaCl को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वी गेट ट्रू सॉल्यूशन. व्हेन NaCl इज डिसॉल्वड इन बेंजीन, वी गेट कोलाइडल सॉल्यूशन, राइट? सो सब्सटेंस तो सेम है, NaCl इज अ सेम सब्सटेंस. एक कंडीशन में वाटर में ये ट्रू सॉल्यूशन की तरह बिहेव कर रहा है और बेंजीन में कोलाइडल सॉल्यूशन की तरह बिहेव कर रहा है, तभी हम इसको कहते हैं कि कोलॉइड कोई एक सब्सटेंस नहीं है, ये तो स्टेट है. स्टेट का मतलब हुआ इसमें पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर है, और इसमें जो पार्टिकल का साइज है इसका, वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर्स की रेंज में होता है. So this is not the substance which will decide कि मैं कोलाइड हूं या नहीं. ये तो पार्टिकल का साइज डिसाइड करेगा कि वो कोलाइडल सोल है या नहीं है. नाउ क्लासिफिकेशन. सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ, ये कोलाइडल सोल्यूशन का क्लासिफिकेशन है. फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर. थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर आर देयर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. इसी के बेसिस पर ये एट टाइप्स का होता है. हम इसको कर लेते हैं. इधर हम डीपी कर लेते हैं जस्ट लाइक सॉल्यूट, इधर हम डीएम कर लेते हैं, इधर एग्जाम्पल, और इधर हम लिखेंगे कोई स्पेसिफिक नेम गिवन है तो हम वो नेम लिख लेंगे, राइट? डीपी, हम पहले सॉलिड ले लेते हैं. सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस. और सॉलिड इन सॉलिड का एग्जाम्पल है जेम स्टोन्स, और सॉलिड इन लिक्विड का एग्जाम्पल है पेंट्स, राइट? इन्हें हम नॉर्मली सॉल भी कह सकते हैं. और सॉलिड इन गैस का एग्जाम्पल है डस्ट, डस्ट, स्मोक कह सकते हैं, स्मोक, डस्ट या स्मोक,
राइट। और जब जब गैस डिस्पर्शन मीडियम का काम करेगी उसको हम एरोसोल कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट आर द एरोसोल, व्हेनेवर द डिस्पर्शन मीडियम इज गैस दैट इज नोन एज एरोसोल। देन लिक्विड लिक्विड लिक्विड, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन गैस। लिक्विड इन सॉलिड का एग्जाम्पल है जैसे कि आपकी जेली हो गई, बटर हो गया, और इसको हम नॉर्मली जेल्स कहते हैं। व्हाट आर द जेल्स? व्हेन लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन सॉलिड वी कॉल इट जेल्स। ये इसका नाम दिया गया है कोलाइडल सोल का। लिक्विड इन लिक्विड का एग्जाम्पल है मिल्क, राइट, और इसको हम कहते हैं इमल्शन। दिस इज डैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट आर द इमल्शंस? इमल्शंस आर दोज इन विच द डीपी एंड डीएम बोथ आर लिक्विड्स। लिक्विड इन गैस का एग्जाम्पल है क्लाउड, और वंस अगेन इसको भी हम क्या कहेंगे? एरोसोल, राइट। नेक्स्ट है गैस गैस गैस, गैस इन सॉलिड, गैस इन लिक्विड एंड गैस इन गैस। गैस इन सॉलिड का एग्जाम्पल है जैसे हाइड्रोजन ऑन पैलेडियम, राइट। गैस इन लिक्विड, आप क्रीम को जोर जोर से विप करो, हिलाओ उसको, तो वो फूल जाती है। फूल क्यों जाती है? क्योंकि अंदर गैस एंट्री कर जाती है। तो गैस इन लिक्विड, इसको हम कहते हैं फोम। फोम भी कहते हैं, फ्रोथ एग्जाम्पल है फ्रोथ, और इस सिस्टम को हम फोम कहते हैं। गैस इन गैस डज नॉट एग्जिस्ट। व्हाई? गैस इन गैस कोलाइडल सोल डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज गैसेज हैव टेंडेंसी टू मिक्स टूगेदर टू मेक द होमोजीनियस मिक्सचर। गैसेज आपस में मिक्स हो जाती हैं थॉरली और होमोजीनियस मिक्सचर देती हैं, वो कोलाइडल सोल कभी नहीं देंगी। तो गैस इन गैस कोलाइडल सोल डज नॉट एग्जिस्ट। वेल, ये तो था आपका वेयर हैज गॉन डस्ट, ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। नाउ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एफिनिटी ऑफ डीपी एंड डीएम। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एफिनिटी बिटवीन डीपी एंड डीएम, इसके बेसिस पर ये टू टाइप्स का होता है। वन इज लायोफिलिक एंड अदर इज लायोफोबिक। यू नो लायो स्टैंड फॉर सॉल्वेंट, फिलिक स्टैंड फॉर टू लव, यानी कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। लायोफोबिक, फोबिया मीन्स अफ्रेड ऑफ, यानी कि दूर रहना, ये दोनों आपस में पसंद नहीं करते हैं। तो इस केस में डीपी एंड डीएम हैव एफिनिटी फॉर ईच अदर, हैव एफिनिटी फॉर ईच अदर। तो ये बनेगा कैसे? सो इट इज मेड by simply adding DP to DM। आप क्या कीजिए, example है starch या gelatin है, आप इसको water में डालिए, बस shake करिए, हो गया आपका colloidal soul तैयार। Lyophobic में क्या होता है, एक ऐसा soul जिसमें दोनों आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन हमने उनको जबरदस्ती बनाया हुआ है। So इसमें these are prepared by special methods, इनको special method से बनाया जाता है, जैसे कि for example sulfur का soul और किसी भी metal का soul, इनको हमें special method से बनाना पड़ता है, इनकी आपस में कोई भी tendency नहीं होती है। इस case में क्या होता है, it is stable। ये stable क्यों होता है? जो dispersed phase के particle है ना, उनको चारों तरफ से dispersion medium ने घेर के रखा होता है, यानी कि इसे हम कहते हैं ये हाईली सॉल्वेटेड होता है। अब एक पार्टिकल भी और दूसरा पार्टिकल भी सराउंडेड है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के पास आएंगे ही नहीं। जब एक दूसरे के पास नहीं आएंगे तो स्कैटर्ड रहेंगे, और हमारा जो सोल होगा वो स्टेबल होगा। सो दिस इज स्टेबल बिकॉज डीपी के जो पार्टिकल्स होते हैं, डीपी पार्टिकल्स आर सॉल्वेटेड, राइट। इट इज अनस्टेबल, ये अनस्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि इसमें सॉल्वेशन नहीं होता, आपने इसमें नॉट करके ये वाला पॉइंट उसमें ऐड कर देना, सो इट इज अनस्टेबल। वेल, इट इज रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल होता है। कैसे? मान लो मैंने स्टार्च का सॉल्यूशन बनाया, सारा वाटर इवेपोरेट हो गया, तो मैं उसमें दोबारा से गर्म पानी डाल दूंगी, दोबारा से कोलाइडल सोल बन जाएगा।
बट ये रिवर्सिबल नहीं है। अगर सल्फर का सोल एक बार ड्राई हो गया तो आप उसमें पानी डाल के दोबारा से नहीं बना सकते, आपको फिर स्पेशल मेथड से बनाना पड़ता है। सो इट इज इरिवर्सिबल, ये इरिवर्सिबल होता है, राइट? इसमें सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाता है और विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है। इस वाले में विस्कोसिटी होता है गाढ़ा हो जाना, ऑफ कोर्स गाढ़ा हो जाता है, स्टार्च को वाटर में डालोगे तो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, लेकिन इस वाले केस में सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी रिमेन्स द सेम, राइट? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। गुड, क्लासिफिकेशन थ्री काइंड्स का था, फर्स्ट एंड सेकंड बता दिया, अब तीसरा क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ, आप इस वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देख सकते हैं, अगर मैं रिपीट करूंगी लेक्चर तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, लंबी बनेगी काफी। सो ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज ऑफ डीपी, डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल के साइज के बेसिस पर, ये थ्री काइंड्स का होता है। इस बेसिस पर ये थ्री काइंड्स का होता है। मुझे ज्यादा स्पेस चाहिए तो मैं सारे को रब कर रही हूं। ओके, सो थर्ड इज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल साइज ऑफ डीपी, ये थ्री काइंड्स का होता है। फर्स्ट है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स, राइट? देखो इसके नाम को ध्यान से देखो, मल्टी बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलके कोलाइडल सोल बनाते हैं। प्रॉब्लम क्या है? डेफिनेशन है यही। सो इट इज मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स ऑफ डीपी टू मेक पार्टिकल ऑफ कोलाइडल रेंज। ये कहाँ पाया जाता है? जब किसी सब्सटेंस के पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है तो वो मिलके उस रेंज में आ जाते हैं। तो यहां पे जो पार्टिकल साइज है, पार्टिकल साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर। क्या एग्जाम्पल क्या है इसका? फॉर एग्जाम्पल गोल्ड का सोल, फॉर एग्जाम्पल सल्फर का सोल, ये दोनों मल्टी मॉलिक्यूलर सोल्स होते हैं। और दूसरा है मैक्रो मॉलिक्यूलर सोल। मैक्रो का मतलब बिग, बिग मॉलिक्यूल। ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनके पार्टिकल का साइज ऑलरेडी कोलाइडल रेंज में लाई करता है, बस पानी में डालो, घोलो, मिलाओ और बन गया। सो हियर पार्टिकल साइज ऑफ डीपी इज ऑलरेडी ऑलरेडी इन कोलाइडल रेंज। ये पहले से कोलाइडल रेंज में होता है, यानी कि 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर्स की रेंज में। तो हमें करना क्या है? कुछ नहीं, डिस्पर्शन मीडियम में डालो, मिक्स करो, हो गया। इसमें कौन आता है? फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन इस कैटेगरी में आता है, स्टार्च इस कैटेगरी में आता है और जेलेटिन, राइट? दे आर द मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइड्स। थर्ड है आपका एसोसिएटेड कोलाइड्स। अब इसमें क्या होगा? मॉलिक्यूल एसोसिएट होंगे, वो तो इसमें भी हो रहे थे, तो फिर फर्क क्या है? लो मैं तुम्हें डिफरेंस बताती हूँ। इनमें डिफरेंस है, एसोसिएटेड कोलाइड्स में ये वो सब्सटेंसेस होते हैं, कोलॉइड्स आर दोज विच बिहेव लाइक ट्रू सॉल्यूशन इन लो कंसंट्रेशन एंड बिहेव्स लाइक कोलॉइड्स इन हाई कंसंट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। देखो आपको मैं समझाती हूँ,
मैंने ये बीकर लिया, इसमें वाटर लिया। अब आप अपनी फिंगर को थोड़ा सा गीला कर लो, हल्का सा, उसको सोप के ऊपर हल्का सा टच करो, फिर इस पानी में डालो। तो आप क्या देखते हो, बीकर के आर पार दिख रहा है, यानी कि आपका ट्रू सॉल्यूशन बना है। आप फिर से अपनी फिंगर को सोप के ऊपर डालो, फिर पानी में डालो, फिर दोबारा से देखो, धुंधलापन आ जाता है। जब धुंधलापन आ जाए, यानी कि ट्रांसल्यूसेंट हो जाए, तो समझ जाना कोलाइडल सोल बन गया है। तो ये वो होते हैं जो लो कंसेंट्रेशन पर तो ट्रू सॉल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं, बट हाई कंसेंट्रेशन में ये कोलाइडल सोल बन जाते हैं। कैसे? देखो, सोप का फॉर्मूला होता है RCOONA, राइट? इसको आप वाटर में डाल दो, सोडियम तो गिड़िया मार में निकल जाता है, घूमने लग जाता है। RCOO बेसिकली सोप का वो पार्टिकल है जो रहता है। इसकी स्ट्रक्चर होती है ऐसी, ये देखो, ये R है, इतना बड़ा। कार्बन के जो एटम्स होते हैं 11 से लेके 17 तक और मोर हो सकते हैं। और आपके सोप में टू पार्ट्स हैं। ये वाला हिस्सा कहता है, भाई मुझे पानी बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं वाटर हेटिंग हूं, यानी कि हाइड्रोफोबिक टेल है ये, राइट? और जो हेड है, इसको पानी बहुत पसंद होता है। ये हाइड्रोफिलिक पोर्शन होता है, हाइड्रोफिलिक हेड इसे हम कहते हैं, राइट? हाइड्रोफोबिक टेल एंड हाइड्रोफिलिक हेड होता है। अब आप इसको वाटर में डालोगे तो टेल कहती है, भाई मैंने पानी में नहीं रहना। हेड कहता है, मुझे तो बहुत पसंद है पानी। तो जब हम वाटर में डालेंगे ना, तो इसका सीन कुछ ऐसा हो जाता है, लाइक दिस, ठीक है? ये सरफेस के ऊपर एक लेयर बना लेंगे, हेड पानी के अंदर है, टेल बाहर है। अब हम हेड हीट, हम और सोप डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, तो होगा क्या, इसको अंदर तो जाना पड़ेगा, टेल को भी अंदर तो जाना पड़ेगा। तो टेल कहती है, हेड से कुछ ऐसा कर कि मैं पानी से दूर रहूं। तो कहता, बड़ा सिंपल है, चलो हम माइसिलीज बना लेते हैं। ये देखो, ये अपने आप को इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं, यानी कि ये गोल गोल स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, जिसमें हेड अंदर की तरफ है, सॉरी, हेड बाहर की तरफ है और टेल अंदर की तरफ है। इसी स्ट्रक्चर को यहां मैं क्लियर बना देती हूं। ये देखो, ये पानी के अंदर रह के इस तरह की स्ट्रक्चर्स बना देते हैं, राइट? इसी को हम कहते हैं माइसिलीज। यही वो माइसिलीज हैं जो हमारे बर्तन धोती हैं और हमारे कपड़े धोती हैं। कैसे? सी, हमारा ये क्लॉथ है, इसके ऊपर ग्रीस लगी हुई है। आप इसके ऊपर सोप लगाइए, सोप लगाएंगे तो टेल कहती है, वाओ मुझे पानी पसंद नहीं है बट ग्रीस तो पसंद है। तो टेल जो है ना, वो ग्रीस के अंदर पेनिट्रेट कर जाती है, लाइक दिस, राइट? और हेड बाहर रह जाता है। हम इसकी स्क्रबिंग करते हैं, फिर हम वाटर से रिंस करते हैं। खूब सारा जब पानी डालोगे तो हेड जो है ना, ये वाटर के साथ भागने की कोशिश करता है। जब हेड भागेगा तो टेल बेचारी क्या करेगी, वो भी तो भागेगी। और जब टेल भागेगी तो ग्रीस कहाँ जाएगी, ग्रीस को भी छुड़ा के वो साथ ले जाते हैं। दिस इज हाउ योर क्लॉथ्स आर वॉश्ड। तो वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स भी कैसे होती है, बिकॉज ऑफ माइसिलीज एक्शन। दिस इज ऑल्सो नोन एज द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। इसको हम क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप कहते हैं। डू यू नो, यही वो सोप है। ये शैम्पू में भी तो सोप ही है, डिटर्जेंट और सोप ही तो होते हैं। आर्टिफिशियल मिल्क भी बनता है इससे। कैसे? एक कंटेनर में थोड़ा सा आप शैम्पू डाल दो, आप रिफाइंड शैम्पू बिल्कुल थोड़ा डालना है, ऊपर से आप रिफाइंड डाल दो एक कटोरी, डाल के उसको हाथ से जोर जोर से चलाओ, जोर जोर से, एकदम वाइट सा विस्कस लिक्विड बन जाएगा, वाइट। बस उसके ऊपर उठा के एक लीटर पानी डाल दो। अब इस दूध से आप चाय भी बना सकते हो, कोई गैस नहीं कर सकता कि ये नकली दूध है कि असली दूध है। सो इसने किया क्या, बेसिकली जो हमारा रिफाइंड ऑयल था वो, और जो वाटर था वो आपस में एक दूसरे को नफरत करते हैं। अब वाटर में ऑयल डाल के देखो, फ्लोट करेगा वो, डिजॉल्व नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा चुटकी साबुन डाल दो बीच में तो वो घुल मिल जाता है। कैसे? जो हेड होती है वो वाटर को पकड़ लेता है, जो टेल होती है वो ऑयल को पकड़ लेता है, दोनों की फ्रेंडशिप करा देता है। सो दिस इज हाउ द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप टेक प्लेस, एंड दिस इज हाउ द आर्टिफिशियल मिल्क इज प्रोड्यूस। बेसिकली जो ओरिजिनल मिल्क होता है उसमें भी एक नेचुरल सब्सटेंस होता है दोनों को मिलाने वाला, ओके, ऑयल को और फैट को मिलाने वाला। सो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, मैक्रो मॉलिक्यूलर एसोसिएटेड कोलाइड्स,
क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, ये भी आप इसमें लिख सकते हैं, ये पिक्चर बना सकते हैं। ये हमारा क्लॉथ है, ये हमारी ग्रीस है, ये हम रिंस कर रहे हैं विद वाटर, तो ग्रीस क्या होती है, इसके साथ चल पड़ती है, राइट? ओके, अगर क्लासिफिकेशन तो हो गया ओवर, अगर वाटर आपका डिस्पर्शन मीडियम है, तो ऐसे सोल को हम कहते हैं एक्वा सोल या हाइड्रोसोल भी कहते हैं, हाइड्रोसोल। और अगर बेंजीन आपका डिस्पर्शन मीडियम है, तो उसे हम कहते हैं बेंजोसोल, राइट? और अगर आपका एल्कोहल डिस्पर्शन मीडियम है, तो उसे हम कहते हैं एल्कोसोल। और अगर आपका डिस्पर्शन मीडियम गैस है कोई, तो उसे हम कहते हैं एरोसोल। एरोसोल के दो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, अभी एक डस्ट बताया और एक मैंने आपको क्लाउड्स बताया। दोनों ही सिचुएशन में जो गैस थी वो डिस्पर्शन मीडियम का काम कर रही थी। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? ओके, एसोसिएटेड कोलाइड में एक क्राफ्ट टेम्परेचर है। क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है? देखो, आई रिमेम्बर जब हम छोटे थे, हमारी मम्मा जब क्लॉथ वॉश करती थी, बड़े वाले, आई मीन जैसे बड़ी बड़ी बेड शीट्स, तो पानी को थोड़ा गर्म किया जाता था। क्यों गर्म किया जाता था? क्योंकि तब जो सोप्स थे ना, माइसिलीज ठंडे वाटर में नहीं बनती थी, यानी कि लो टेम्परेचर पे थोड़ा सा गर्म करना पड़ता था जबकि माइसिलीज बने, और जब माइसिलीज नहीं बनेंगी तो कपड़े कैसे धुलेंगे। तो क्राफ्ट टेम्परेचर वो टेम्परेचर है अबव विच माइसिलीज फॉर्मेशन टेक प्लेस। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता, डिटर्जेंट इतने बढ़िया आ गए हैं कि ठंडे क्या, आप आइस वाटर में भी कपड़े धोने चाहो तो धो सकते हो, राइट? सो क्राफ्ट टेम्परेचर इज टेम्परेचर अबव विच माइसिलीज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, राइट? ओके, ये हो गया आपका क्राफ्ट टेम्परेचर। एक होता है सीएमसी। सीएमसी की फुल फॉर्म होती है क्रिटिकल माइसिलाइजेशन कंसंट्रेशन। इसका मीनिंग क्या है? वो कंसंट्रेशन, उसमें टेम्परेचर है ना जिसके बाद माइसिलीज बनती है, वो कंसंट्रेशन जिसके बाद माइसिलीज फॉर्मेशन होता है, उसे हम कहते हैं सीएमसी। सीएमसी इज द कंसंट्रेशन अबव विच द माइसिलीज फॉर्मेशन टेक प्लेस, उसे हम कहते हैं सीएमसी। ये दो पॉइंट्स भी इसके साथ जुड़े हुए थे, आप नोट डाउन कर लो। ओके, दिस वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ कोलाइडल सोल। चलो अब हम इसको बनाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कोलाइडल सोल्स। फॉर्मेशन ऑफ कोलाइडल सोल्स। हम कोलाइडल सोल कैसे बनाएंगे? पहला मेथड है केमिकल मेथड। अंडरस्टूड है, हम लायोफोबिक को बना रहे हैं, लायोफिलिक वाला तो बनाना नहीं है, वो तो वाटर में डिसॉल्व करो और हो गया। सो पहला है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड हम किस किस के लिए यूज करते हैं? सी As2O3+H2S, इसको आप कंबाइन कर दो तो आपको जो सोल मिलेगा वो As2S3+H2O मिलेगा, ठीक है? इसे कहते हैं आर्सिनस सल्फाइड सोल। ओके, और दूसरा है आप H2S में HBr डाल दीजिए, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दीजिए, तो आपको मिलेगा सल्फर का सोल मिल जाएगा, और प्लस आपको सॉरी यहाँ पे आपको SO2 लेना है, नॉट H2S, सल्फर का सोल मिलेगा आपको, और साथ में आपको मिलेगा H2O, राइट? H2O प्लस ब्रोमीन मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट है AuCl3। गोल्ड का अगर सोल चाहिए तो AuCl3 की आप रिडक्शन कर दो HCHO के साथ, आपको एक गोल्ड का सोल मिलेगा, प्लस ये आपका जो है HCHO, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और गोल्ड को रिड्यूस कर देगा, राइट? और जो ये आपने वाटर लिया हुआ है वो उसके साथ मिलके HCl बना देगा, राइट?
और अगर आप FeCl3 को बॉइलिंग वाटर में डाल देते हैं तो आपको FeOH होल थ्राइस का सोल मिल जाता है, राइट? ध्यान से देखेंगे, इसमें हमने क्या किया है, AS2O3, ये इसे हम कहते हैं डबल डीकंपोजिशन, इसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, और इस फिनोमिनन को हम कहते हैं रिडक्शन, और इसको हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। एक बार क्वेश्चन आया था कि प्रिपेयर कोलाइडल सोल बाय हाइड्रोलिटिक मेथड, तो आप इससे आप यूज कर सकते हैं, राइट? सो केमिकल मेथड हो गया ये आपका, और दूसरा है पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन में हम क्या करते हैं, पेप्ट पेप्ट को आप प्रेसिपिटेट से याद करो, यानी कि कोलाइडल सोल बनाएंगे प्रेसिपिटेट से। यस, पेप्टाइजेशन इज फॉर्मेशन ऑफ कोलाइडल सोल फ्रॉम फ्रेश प्रेसिपिटेट्स बाय एडिंग सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट। कैसे? देखो, आपने टेस्ट ट्यूब में नीचे ले लिया AgNO3, ऊपर से आपने एक्वस KCl डाल दिया, तो यहाँ पे आपके प्रेसिपिट जो है प्रेसिपिटेट बनेंगे AgCl के, कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट होते हैं। आप एक काम करो, KCl थोड़ा और ज्यादा डाल दो, तो आपके प्रेसिपिटेट उछल के ऊपर चले जाएंगे, यानी कि गायब हो जाएंगे और कोलाइडल सोल बन जाएगा। जब आप क्लोराइड का कन्फर्मेटरी टेस्ट करते हो लैब में, तो आपने देखा होगा उसमें उल्टा होता है, हम सॉल्ट में क्लोराइड नीचे लेते हैं, AgNO3 ऊपर से डालते हैं, बात तो एक ही है। तो आपके AgCl के प्रेसिपिटेट होते हैं, अगर आप लालच करो कि मैं और AgNO3 डाल दूं और मेरे प्रेसिपिटेट और बनेंगे, तो वो बनते नहीं है, बिखर जाते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल पेप्टाइजेशन। आखिर हुआ क्या, सी इसकी वजह क्या है पेप्टाइजेशन की? पेप्टाइजेशन की ये वजह है कि जो आपका प्रेसिपिटेट का पार्टिकल था AgCl, राइट, ये प्रेसिपिटेट है, इसका साइज मोर देन 1000 है, तभी तो नीचे बैठा है वो, तो पहली बात हो गई है। ओके, अब आपने KCl डाला तो ये अपनी सरफेस से क्लोराइड को बुला लेगा। अब आप सोचेंगे पोटाशियम को क्यों नहीं बुलाया, क्योंकि प्रेसिपिटेट AgCl का है ना, तो ये Cl को बुलाएगा, खुद वाले को बुलाएगा, K को नहीं बुलाएगा, अपनी सरफेस पे बुलाया, इसने भी बुला लिया, राइट? अब बताओ, जब इलेक्ट्रोलाइट डालोगे तो दोनों पे कौन सा चार्ज आ गया, सिमिलर चार्ज। अब ये सिमिलर चार्ज क्या करता है, दोनों में जोर से होगी रिपल्शन और ये टूट के टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। ये देखो, ये जो AgCl है उसके प्रेसिपिटेट के टुकड़े हो गए हैं और वो कोलाइडल रेंज में आ गए हैं, राइट? इसे हम कहते हैं पेप्टाइजेशन। व्हाट इज द कॉज ऑफ पेप्टाइजेशन? डेवलपमेंट ऑफ सिमिलर चार्जेस ऑन द कोलाइडल पार्टिकल्स ऑन द प्रेसिपिटेट्स एंड रिपल्शन टेक्स प्लेस टू मेक द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल रेंज, तो इसे हम कहते हैं पेप्टाइजेशन। तीसरा मेथड है ब्रेडिक आर्क मेथड। ब्रेडिक्स आर्क मेथड, ब्रेडिक्स आर्क मेथड में क्या होता है, ब्रेडिक तो साइंटिस्ट का नेम है, आर्क होता है अर्ध चंद्रमा को बोलते हैं, इसको आर्क बोलते हैं, ARC। वेल, पहली बात, ये मेटल का सोल बनाने के काम आता है। कैसे? जिस भी मेटल का सोल बनाना है, एक कंटेनर में सुटेबल सॉल्वेंट ले लो, जिसमें भी बनाना है, सपोज आप गोल्ड का सोल वाटर में बना रहे हो तो यहां पे वाटर ले लो, चारों तरफ आपको आइस लेनी है, ताकि पानी गर्म नहीं होना चाहिए ज्यादा, ये ठंडा रहना चाहिए, तो चारों तरफ आप ले लो आइस, बीच में आपने लिया डिस्पर्शन मीडियम, से इन दिस केस हियर वी हैव टेकन वाटर, तो इसमें गोल्ड की दो रॉड्स को ऐसे खड़ा कर दो, राइट? अब इन रॉड्स को जब आप रखोगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, हाई वोल्टेज पास करोगे, तो क्या होगा, यहां से मैं हटा देती हूँ आपको समझाने के लिए। वैसे ये डिप्ड है वाटर में, देखो जैसी आप इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, इसमें हाई वोल्टेज पास करते हैं, यहां पे ना एक चिंगारियों का आर्क बनेगा, चिंगारियां नहीं उठती, और कई मूवीज में देखा होगा शक्ति कपूर नॉर्मली वो दो रॉड्स को ऐसे ऐसे करता है, चिंगारियां निकलती हैं, आप खाली रॉड्स को ऐसे रखो तो चिंगारियों का एक आर्क बनेगा, उस आर्क में इतनी एनर्जी होती है कि वो इस गोल्ड की रॉड को भी वेपोराइज कर देता है।
अब वो वेपर घूम फिर के कहाँ जाएंगे, वाटर में, क्योंकि वाटर में डिप्ड है ना। अब यहाँ पे जाएगा, इधर से हमने आइस ले रखी है, तो उनका जो रेंज होती है वो कोलाइडल रेंज में आ जाता है। सो दिस इज नोन एज ब्रेडिक्स आर्क मेथड। दिस इज यूज्ड फॉर मेकिंग मेटल सोल, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, प्लैटिनम और सिल्वर। इनका अगर आपको कोलाइडल सोल बनाना हो तो हमें ब्रेडिक आर्क मेथड यूज करना पड़ता है। सो दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट आपके मतलब मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ कोलाइडल सोल्स हैं। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप। इट नीड्स टू बी करेक्टेड। इसमें हम H2S गैस में ब्रोमीन डालते हैं, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो तो सल्फर और आपका बनेगा HBr। राइट, ये करेक्शन कर लो आप। नाउ यू कैन हैव इट स्क्रीनशॉट। राइट, चलो हमारी फॉर्मेशन भी हो गई कोलाइडल सोल की। अब हम इसकी प्यूरिफिकेशन करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे प्यूरिफिकेशन की क्या जरूरत है, दो ही तो लोग थे, इलेक्ट्रोलाइट था और वो था। यस, नेक्स्ट है प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल। इसका मीनिंग क्या है? इट मींस रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम कोलाइडल सोल। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब है? इट मींस सारा इलेक्ट्रोलाइट आपको बाहर नहीं निकालना है, सिर्फ एक्स्ट्रा निकालना है। क्यों? रीजन क्या है? रीजन ये है कि आपका कोलाइडल सोल अगर उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स ज्यादा होंगे तो अपने आप कंबाइन करके सेटल डाउन हो जाएगा। हमें उससे बचाना है, उसकी कोएगुलेशन होने से हमें बचाना है। तो कैसे करते हैं हम लोग? पहला मेथड है डायलिसिस। डायलिसिस में क्या होता है, इधर से आप वाटर की, यहां से वाटर इन है और यहां से वाटर आउट है। पार्चमेंट मेम्ब्रेन का एक बैग ले लो। पार्चमेंट मेम्ब्रेन क्या होता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का बैग लो, उसके अंदर आप अपना कोलाइडल सोल डाल दो। ठीक है, जिसकी आप प्यूरिफिकेशन करना चाहते हो वो डाल दो और इसको वाटर में डिप कर दो। राइट, और डिप क्या करना है? वाटर तो आ जा रहा है, इधर से वाटर आ रहा है, इधर जा रहा है। यू नो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करती है? इलेक्ट्रोलाइट को तो बाहर आने देती है लेकिन कोलाइडल पार्टिकल को बाहर नहीं आने देती। तो इसमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे दे विल कम आउट एंड आर रिमूव्ड अवे बाय वाटर। राइट, इसी को हम कहते हैं डायलिसिस। वेल, बड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, इट विल टेक टू मच टाइम, क्योंकि बहुत स्लो प्रोसेस है। तो दूसरा मेथड क्या है? इलेक्ट्रोडायलिसिस। इलेक्ट्रोडायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस में हम क्या करते हैं, इसी में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दो। लो, प्लस और माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दो, ये प्रोसेस फास्ट एंड हो जाएगा और इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस। इलेक्ट्रोडायलिसिस इज डन टू मेक डायलिसिस फास्ट बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड बैग। जिस बैग में अपने कोलाइडल सोल लिया है उसके दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दो, जिससे कि प्रोसेस फास्टर हो जाता है और आपका जो कोलाइडल सोल है जल्दी जल्दी से प्यूरिफाई हो जाएगा। ठीक है, तीसरा मेथड है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन का सिंपल सा मेथड बताती हूँ। मिल्क के अंदर बटर है कि नहीं पता लगाने के लिए उस मिल्क को आप मिक्सी में चला दीजिए। मिक्सी के चलने को सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं, और जो बटर होता है वो सेंटर में इकट्ठा हो जाता है और जो बाकी का मिल्क है वो बाहर आ जाता है। राइट, सेम इसमें हम क्या करते हैं, जो कोलाइडल सोल होता है दैट इज सेंट्रीफ्यूज्ड, इसकी सेंट्रीफ्यूगेशन कर देते हैं और जो कोलाइडल सोल होता है वो बीच में इकट्ठा हो जाता है। बस बाकी लिक्विड को बाहर कर दो, डिकेंट ऑफ उसको भी आराम से निकाल के सुटेबल डिस्पर्शन मीडियम डाल के उसको डिजोल्व करके रख लो। तो सेंट्रीफ्यूगेशन से भी हमारा कोलाइडल सोल सेपरेट हो जाता है।
फोर्थ मेथड है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब होता है फिल्टर पेपर के थ्रू पास कर दो। तो अल्ट्रा वर्ड क्यों लगाया, लेट मी एक्सप्लेन यू। देखो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर लो राइट, उसको आप फनल के ऊपर लगा दो, यहां से आप कोलाइडल सोल डालो, आप क्या देखते हो सारा का सारा कोलाइडल सोल इसमें से निकल जाता है, ऊपर कुछ भी नहीं बचता। जो फिल्टर पेपर होता है अपने में से कोलाइडल पार्टिकल को जाने देता है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसी फिल्टर पेपर को, जो फिल्टर पेपर है इसको हम डिप करते हैं कोलोडियन में। अब ये कोलोडियन क्या होता है, कोलोडियन इज 4% सॉल्यूशन ऑफ सेल्यूलोज नाइट्रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाइट्रेट इन एल्कोहल ईथर मिक्सचर। सेल्यूलोज नाइट्रेट का 4% सॉल्यूशन को हम कहते हैं कोलोडियन। इस फिल्टर पेपर को पहले कोलोडियन में पास करो, फिर उसके बाद आप कर देंगे देन डिप्ड इन फॉर्मेल्डिहाइड, जिसमें कि ये हार्ड हो जाता है। बाय द वे होता क्या है, देखो ये मान लो फिल्टर पेपर के पोर्स हैं, इतने बड़े होते नहीं है, मैंने दिखाने के लिए बताया है, ये देखो ठीक है। तो इसको अगर आप कोलोडियन में डिप करोगे ना, तो कोलोडियन इनकी सरफेस पे ऐसे से आ जाता है, इनके पोर्स के ऊपर स्प्रेड हो जाता है लाइक दिस, काफी गाढ़ा होता है राइट। अब आप इसको फॉर्मेल्डिहाइड में डिप करेंगे तो ये हार्ड हो जाता है। फाइनली हम करना क्या चाहते हैं, फिल्टर पेपर के जो पोर्स होते हैं उसके साइज को छोटा करना चाहते हैं। आपका अल्ट्रा फिल्टर पेपर रेडी हो गया, अब आप क्या करेंगे, फनल के अंदर इस अल्ट्रा फिल्टर पेपर को डालो और नीचे बीकर रखो, यहां से आप कोलाइडल सोल डालोगे तो आपका सारा लिक्विड तो नीचे आएगा लेकिन कोलाइडल सोल का एक भी पार्टिकल नीचे नहीं आएगा राइट। तो कोलाइडल सोल ऊपर रह जाएगा आपका, इलेक्ट्रोलाइट और थोड़ा सा मीडियम आपका बाहर निकल गया। बस इसको चाइना डिश में ले लो आप कोलाइडल सोल को, और इसमें सुटेबल डिस्पर्शन मीडियम डाल के आप अपना कोलाइडल सोल प्रिपेयर कर सकते हो। सो दिस इज द प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल। अब तक हमने क्या पढ़ा, कोलाइडल सोल क्या होता है, क्लासिफिकेशन 3 टाइप्स का था, फिर हमने उसको बनाया, अब हमने उसको साफ भी कर लिया, प्यूरिफाई भी कर लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। नाउ यू कैन हैव इट स्क्रीनशॉट। नाउ प्यूरिफिकेशन की जगह करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलाइडल सोल। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलाइडल सोल, इसके क्या करैक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहले जो कोलाइडल सोल है इट इज हेट्रोजीनस। हेट्रोजीनस का क्या मतलब होता है, सिंपली आई विल टेल यू, मिल्क लो बिल्कुल फ्रेश, उसको आप एक ट्रांसपेरेंट ग्लास में फ्रिज में रख दो राइट। उसके बाद आप देखना उसमें पेन मार के देखो, पेन नहीं तो आप स्पून उसमें डिप करिए, तो आप क्या देखते हैं, ऊपर सारा थिक मिल्क है नीचे थिन मिल्क है, दिस इज व्हाट वी कॉल हेट्रोजीनस। दूध में मलाई ऊपर आती है, बिल्कुल वेल नोन एग्जाम्पल है, तो इसका मतलब ऊपर दूध गाढ़ा होता है नीचे पतला होता है, दिस इज व्हाट वी कॉल हेट्रोजीनस राइट। आपको याद रहेगा सारे के सारे जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं दे शो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो हमने सॉल्यूशन के चैप्टर में पढ़ी है ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को भी शो करते हैं, विच वर 4 in number, आप सॉल्यूशन वाला मेरा लेक्चर देख लीजिए। ओके, थर्ड है दे शो ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट, ब्राउनियन मूवमेंट का क्या मतलब होता है, जिगजैग पाथ फॉलो करते हैं ये। इनको क्या तमीज से सीधा चलना नहीं आता, नहीं आता, बिकॉज ये पार्टिकल कीप ऑन कोलाइडिंग विद ईच अदर एंड विद द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्शन मीडियम, मेनली डिस्पर्शन मीडियम के साथ टक्कर मारते हैं,
क्योंकि आपस में मारेंगे जोर से तो सेटल डाउन हो जाएंगे, राइट। तो ये जिगजैग पाथ फॉलो करते हैं, थैंक गॉड जिगजैग पाथ फॉलो करते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, इसी वजह से तो हमारा कोलाइडल सोल स्टेबल होता है। सो दे शो ब्राउनियन मूवमेंट, दैट इज दे फॉलो द जिगजैग पाथ, सो दैट्स व्हाई दे आर वेरी स्टेबल। ये इसका हमें बेनिफिट हो गया। फोर्थ है दे शो टिंडाल इफेक्ट। टिंडाल इफेक्ट क्या होता है? टिंडाल इफेक्ट का मतलब होता है दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट व्हेन इट इज पास्ड थ्रू इट एंड व्यूड। हम देखेंगे कहां से? राइट एंगल पे। अगर हमने लाइट ऐसे पास करी है टॉर्च से तो हम ऊपर से देखेंगे। स्कैटरिंग ऑफ लाइट व्हेन इट इज पास्ड थ्रू इट एंड व्यूड एट राइट एंगल टू इट, उसे हम कहते हैं टिंडाल इफेक्ट। ये टिंडाल इफेक्ट केवल यही शो करेगा? अगर हम सॉल्ट डाल दें वाटर में, नमक वाला पानी क्यों नहीं शो करेगा? तो लिसन, टिंडाल इफेक्ट शो करने के लिए दो कंडीशंस चाहिए होती हैं। व्हाट आर द कंडीशंस? पहली कंडीशन है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डीपी एंड डीएम, यानी कि डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम का वेरी करना चाहिए, शुड वेरी, यानी कि अलग होना चाहिए टू हाई एक्सटेंट, मतलब ज्यादा फर्क होना चाहिए दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, होता है। और दूसरा कि जो साइज ऑफ पार्टिकल है, पार्टिकल का साइज है, शुड नॉट बी मच लेसर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट। इस लाइन का मतलब है कि लाइट की वेवलेंथ और इनके पार्टिकल का साइज कंपेरेबल होना चाहिए, ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, और ये दोनों बातें कोलाइडल सोल में होती हैं, ट्रू सॉल्यूशन में नहीं होती हैं। अब इसके एप्लीकेशंस क्या हैं? इसकी वजह से क्या क्या होता है? बिकॉज ऑफ टिंडाल इफेक्ट कलर ऑफ स्काई इज ब्लू। वाई? क्योंकि स्काई में कोलाइडल पार्टिकल घूम रहे हैं डस्ट के, तो वो ब्लू कलर को स्कैटर करते हैं। बिकॉज ऑफ टिंडाल इफेक्ट कलर ऑफ स्काई इज ब्लू बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स इन एयर, राइट। वैसे स्काई ब्लैक होता है। और क्या होता है टिंडाल इफेक्ट की वजह से? पहला तो हो गया कलर ऑफ स्काई इज ब्लू एंड कलर of sea water is blue, उसका भी same reason है। और tail of helicomet, helicomet धूमकेतु कहते हैं जिसे, helicomet की जो tail होती है is visible, वो भी हमें क्यों दिखती है? Because इसके tail के particle light को scatter करते हैं, तो हमारी आँखों पर तो scattering पड़ती है but हमें लगता है कि उसकी tail है। तो हेलीकॉमेट की टेल क्यों विजिबल होती है? बिकॉज ऑफ टिंडाल इफेक्ट। और इस टिंडाल इफेक्ट की वजह से जो जिगमोंडी है, द नेम ऑफ साइंटिस्ट, जिगमोंडी ने डिस्कवर किया था अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, राइट। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है। कोलाइडल सोल इज हेट्रोजीनियस, द पार्टिकल शो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, दे शो ब्राउनियन मूवमेंट एंड बिकॉज ऑफ दिस ब्राउनियन मूवमेंट द कोलाइडल सोल्स आर वेरी स्टेबल। दे शो टिंडाल इफेक्ट, दैट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट व्हेन इट इज पास थ्रू इट एंड व्यूड एट राइट एंगल टू इट। कंडीशंस, टू कंडीशंस, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग होना चाहिए और पार्टिकल का साइज वेवलेंथ ऑफ लाइट के साथ कंपेरेबल होना चाहिए। टिंडाल इफेक्ट की वजह से कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, कलर ऑफ सी वाटर इज ब्लू एंड द टेल ऑफ हेलीकॉमेट इज विजिबल। बिकॉज ऑफ दिस टिंडाल इफेक्ट जिगमोंडी वॉज एबल टू डिस्कवर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। तो ये इसकी एप्लीकेशन है। फिफ्थ प्रॉपर्टी है इसकी इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस, व्हाट इज दिस? सी, एक यू शेप की ट्यूब ले लो, राइट। उस पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो। आप दो प्लेट्स लो, एक पे माइनस का साइन ले लो, एक पे प्लस का साइन ले लो, राइट। यहाँ आप अपना कोलाइडल सोल ले लो, राइट। अब क्या होगा
जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, फोरेसिस का मतलब मूवमेंट. इट इज द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स टू वन ऑफ द इलेक्ट्रोड व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अराउंड इट. फोरेसिस का मतलब मूवमेंट. कोलाइडल पार्टिकल दोनों में से किसी एक इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे. किसकी तरफ, ये तो डिपेंड करता है कि आपने सोल कौन सा लिया है. तो किसी एक की तरफ जाएंगे. मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स टू वन ऑफ द इलेक्ट्रोड व्हेन इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अराउंड इट, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रो फोरेसिस. ओके, व्हाट इज, अगली प्रॉपर्टी है हमारी इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस. राइट, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस क्या होता है, मैं यही समझा देती हूँ. सी, अगर हम दोबारा से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, लेकिन उससे पहले कोलाइडल सोल के दोनों तरफ हम लोग लगा देते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. राइट, हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी, एंड यू नो वेरी वेल कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कोलाइडल पार्टिकल को जाने नहीं देगी. ओके, अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया. राइट, जैसे इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे, कोलाइडल पार्टिकल तो भागेंगे. सपोज सारे कोलाइडल पार्टिकल यहाँ भागेंगे, जैसे वो जाली के आगे खड़े हो गए हैं, अरे ओपन द डोर, हमको जाने दो. अब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहता है मैं तो जाने नहीं देता, तो बेचारे रास्ते में ही खड़े हैं. अब आप इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करके बैठे हुए हैं, कोलाइडल पार्टिकल को ये जाने नहीं दे रहा, तो डिस्पर्शन मीडियम के जो पार्टिकल है ना, वो भागने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो तो निकल सकते हैं.